सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत की टीआरएस और मरकज की बीजेपी हुकूमत ने हैदराबाद बिलखसूस पुराने शहर को गुज़श्ता 7 सालों में नजरअंदाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने गुज़श्ता 7 सालों में पुराने शहर का एक भी दौरा नहीं किया और ना ही पुराने शहर के मसाइल पर जायजा इजलास मुनक़िद किया। चीफ मिनिस्टर ने पुराने शहर को इस्तंबुल की तरह तरक्की देने का वादा किया था, लेकिन तरक्की के मामले में पुराने शहर भी पसमानदा है। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले ग्रेजुएट्स को रोजगार के मौके हासिल नहीं हुए और पुराने शहर से ताल्लुक रखने वालों के साथ मुख्तलिफ शोबे जात में नाइंसाफी का सिलसिला जारी है। उत्तम कुमार रेड्डी पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस MLC उम्मीदवार जी चन्ना रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने चार मीनार और मुशीराबाद के इलाकों में ग्रेजुएट राय दहिंदों से खिताब भी किया।